አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ናዝሪን ኢስተቅባል ሄ አፍካ ዋረኑስ ላይ ስቱዲዮ ጀልጋ ማይ ማይ አፍካ ማይዝባን ሪዝዋን ፈላይ አይ ዳልቴ ጀልጋው ዚሌ ኪ ኻስ ኸብር ፐር አህም ነዘር महाराष्ट्र एक्सप्रेस से भुसावल से जलगांव आ रहे शेख अब्दुल गनी लाडजी खाटिक उम्र 55 साल इनका भादली स्टेशन पर हार्ट अटैक दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। बता दें कि ये अपने नवासी को लेने के लिए भुसावल से जलगांव आ रहे थे। ये हादसा रेल में हुआ इसलिए आरपीएफ ने उन्हें जलगांव सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, फिर वहाँ उन्हें डॉक्टर ने मुर्दा करार दिया। जलगांव जिला के फैजपुर शहर में तीन तलाक बिल के खिलाफ हजारों मुस्लिम औरतें सड़कों पर आकर अपना एहतजाज किया और कहा कि तीन तलाक बिल वापस लो और हमारी इज्जत हमारी शरीयत में ही है। ऐसे नारों से फैजपुर शहर की गलियां गूंज उठी और ये रैली 2 बजे मिल्लत नगर से होते हुए तहसील ऑफिस पहुंची और वहां पहुंचकर प्रांत अधिकारी को मेमोरेंडम देकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। मंसूरी पिंजारी बिरादरी जलगांव की जानिब से इज्तिमाई शादियों का नज़्म जलगांव सेंट्रल मॉल के मैदान में रखा गया था और जिसमें 13 जोड़ों की शादियां लगाई गई और इस इज्तिमाई शादियों में बिरादरी के गुजरात, मध्य प्रदेश और खानदेश के कई इलाकों से मेहमान ने शिरकत करके इज्तिमाई शादियों को कामयाब किया। 2 अप्रैल को जलगांव जिला अधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में अपर जिला अधिकारी की सदारत में जिला भर से आए हुए नागरिकों की शिकायतें सभी विभागों के अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की शिकायतें सुनकर सभी संबंधित विभाग की जानिब अगली कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। पॉलीथीन पर पूरी पाबंदी के लगने के बावजूद बड़े पैमाने पर खुलेआम दुकानों पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में सामान दिया जा रहा है और वही मनपा के कर्मचारी छोटे बड़े दुकानदारों से अवैध वसूली करने की खबरें मिल रही है, जिससे पॉलीथीन पाबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है।